सीवान जिले के नौतन प्रखंड के शाहपुर में 20 अक्टूबर से चल रहे श्री रामचरित मानस कथा का समापन हो गया। मानस कथा झांसी से आई किरण प्रज्ञा जी कह रही थी। समापन के दिन राम दरबार की झांकी प्रस्तुत किया गया। कथावाचक किरण जी को स्थानीय मुखिया सीमा देवी, नौतन वीडियो मुखियापति सहित गणमान्य लोगों ने अंगवस्त्र माला आदि से देकर सम्मानित किया। इस मौके पर हजारों की संख्या में मानस कथा सुनने श्रद्धालु उपस्थित हुए थे। शाहपुर से अमन राज की रिपोर्ट। प्रयास किया लेकिन जब लक्ष्मण को उठा नहीं पाया, श्री हनुमान जी महाराज निरीक्षण करने के लिए गए। जैसे ही हनुमान जी महाराज को देखा, एक आवाज लगाए, हनुमान जी महाराज ने मेघनाथ अपनी सेना को लेकर के चला जाता है। अशंत श्री हनुमान जी महाराज ने जीवाचार लक्ष्मण को अपने कंधे पर लिया और भगवंत प्रभु श्री राम की गोदी में डाल दिया। जब भगवान श्री राम ने अपने भैया लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में देखा तो श्री राम तो जोर जोर से रोने के लग गए। मैं आपको एक बात बताऊं, भगवान श्री राम रोए तो सभी के लिए है, चाहे माता कौशल्या जी हो, चाहे भैया भरत जी हो, चाहे उनकी प्राण बल्लवा जानकी जी क्यों ना हो, राम जी रोए सभी के लिए। लेकर पूरी श्री राम तृतीय मानस में भगवान श्री राम ने किसी के लिए ये नहीं कहा कि यदि तुम नहीं मिलोगे तो हम अपने जीवन को समाप्त कर देंगे, अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। छल के द्वारा वो बाण लाकर के श्री राम को देते हैं। वही 31वां बाण जब भगवान श्री राम ने नाभि में मारा तो आप लोग जानते हो राम धराशायी हो गया। अच्छा, मुखिया मतलब पंचायत का मुखिया, मैं हमको यही खुशी है इस चीज के कि मैं अपने विकास के साथ अपने पंचायत को लेकर के इसमें भक्ति कॉलेज बनाना चाहती हूँ। रामचरितमानस हो रहा है स्वच्छ भारत में सरकार द्वारा हम लोग मिला है, हमको ये खुशी चलाने के लिए हम चाह रहे हैं कि साथ करते विकास के साथ अपने भक्ति से और अपने बाबा तुलसीदास द्वारा लिखित श्री रामचरित मानस है। श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों के और आदर्शों पर, उनके आदर्शों पर हम लोग के कार्यक्रम कराते हैं, क्योंकि आदर्शों द्वारा हमारे मानव जीवन में मिले सीख मिले कि हम मानव सब लोग उनके आदर्श पर चल सकें और उनके आदर्शों द्वारा चल करके नर नारी सब लोग बच्चे सब लोग सद्भाव की भावना रखें और विकास में वो उसी तरह सहयोग करें जैसे श्री रामचरित के मानस में मानव जीवन पर तुलसी बाबा द्वारा लिखा गया। आप अपने पंचायत को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि हर जगह भक्ति के साथ साथ अध्यात्म के साथ साथ हर जगह जब हम जाएंगे तो हर जगह हम अध्यात्म में हमको मिलता है कि फर्स्ट प्रथम है सफाई। हम लोग दिल घर को साफ करें, शरीर को साफ करें,
दिल को साफ करें, मन को साफ करें। जब साफ सफाई रखेंगे तो ईश्वर निश्चित मिलेंगे और उस घर में उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। मैं जितेंद्र दुबे समाजसेवी ग्राम शाहपुर जिला। नमस्ते, मैं हूँ आशुतोष।